स्वस्तिरै नमोस्तुतु ॐ श्री शदेलक्ष्म्यामहोरात्रि पाशुवे नृत्यन्तिकाणमुम्मयिकाण सर्वलोकमयिकाण फोटो नीचे रखो। अरे राजा दान मित्रों महाबला
अब मंदिर की सीढ़ी है, यहाँ पर जो आरती है ब्रह्मा जी की आरती, वो आरती यहाँ पर निवास की आरती है वो यहाँ पर करवा रहे हैं। जो तमाम जो उनके साथ ब्रह्मा के सदस्य हैं, उन परिवार के सदस्य को बिल्कुल विशेष चुनरी जो आप देख सकते हैं, विशेष चुनरी यहाँ पे माई की धर्म पर लगाई गई है। यहाँ पे अलग से मिठाई लगाई गई थी, जाएंगे तस्वीर जो है यहाँ पे ब्रह्मा मंदिर की, मतलब ब्रह्मा जी की जो तस्वीर है वह पेट की जा रही है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर क्योंकि वह नीचे मंदिर के जो पुजारी हैं वो बाकायदा पूरे विधि विधान के साथ में पूरी जो भी विधियाँ होती है शास्त्रों के अंदर यार आपने दोनों ले लिए मिस्त्री, अच्छी बात है। सही मायने में जी जी ब्रह्मा जी तो पीछे रहे। अरे नहीं भैया भैया भैया
महोदय आए थे। क्वेश्चन आपका रखो जी, वही कह रहे हैं, वो तो आते रहते हैं, आप क्वेश्चन रखो। किस तरह का रहा और क्या आपने की तरफ से क्या तबादला? पुरानी परंपराओं के हिसाब से जो प्रोटोकॉल उनको मिलना चाहिए था वो दिया गया है दरगाह की तरफ से, और जो उनकी मनोकामनाएं थी वो उन्होंने क्या मांगी ये उनके दिल के अंदर है जी। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि जो मनोकामना लेकर के आएँ मालिक उसको पूरा करें, और जो तबरुकात हमारी तरफ से देने थे तो उसके अंदर हमने एक दुआनामा दिया, दूसरा ख्वाज साहब की टीचिंग्स के ऊपर एक बुक है ऑक्सफोर्ड प्रेस लंदन की, द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, वो भेंट की है। चूँकि ये गंगो जमनी तहजीब का वो गहवारा है कि यहाँ पर हर मजहब व मिल्लत का आदमी अपनी मुरादें लेकर के आता है और खाली हाथ नहीं जाता, तो हमने फिर भगवत गीता उनको दी है। ये भगवत गीता के ना जो उपदेश हैं उसका पालन करते हुए आप अपनी दिनचर्या के साथ साथ जो देश के हित के अंदर ऑर्डर्स हों उसको आप नज़र से इस तरह से गुजारें कि पब्लिक का उसके अंदर फायदा। दीवान साहब, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर आपने उनको भगवत गीता। मैंने शंकर दयाल शर्मा को भी भगवत गीता दी थी। जितने जो जिस धर्म का देखो पंडित थे वो ये क्या हैं इस हिसाब से, मेरे को मेरा जो फर्ज बनता है वो मेरे को कितना कोई क्रिटिसाइज करे उसकी मैं परवाह नहीं करता। ऐसे क्रिटिसाइज बहुत देखे। क्या संदेश देंगे यहाँ से आज के भाई जो ये लेकर के आए हैं अमन आस्ती का पैगाम? अल्लाह ताला पूरे भारत के अंदर भाईचारे का माहौल बनाए, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करे, और जो जो चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों चाहे वो राष्ट्रपति हों उनकी जो मनोकामना है उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बारगाह हुजूर गरीब नवाज के सदके के अंदर। अरे भैया पीली शर्ट सही मायने में जी, ब्रह्मा जी तो पीछे रह गए, मीडिया के लोग आ गए पहले तो आपके यहाँ क्यों रहे? ये मीडिया के लोग तो जहाँ आप हुए हैं सर ब्रह्मा जी के साथ, तभी तो बाद में आएंगे। बाद में मोबाइल की है कि वो भारत जी के अवतार भारत जी के अवतार। आज इस वक्त जो वक्त हुआ है अभिषेक 10:37 हो रहे हैं, तो आप हम ये कह सकते हैं कि 11:05-10 के करीब राष्ट्रपति का काफिला पुष्कर पहुंच जाएगा। देखिए राष्ट्रपति अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक 10:17 तक धुबरा हेलीपैड पर लैंड हो चुके हैं। उनमें सबसे आगे जो हेलीकॉप्टर है उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। पीछे के जो हेलीकॉप्टर हैं उसमें राष्ट्रपति भवन के अधिकारी और जो उनके सुरक्षा एजेंसीज के लोग हैं वो मौजूद हैं। अब से कुछ देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धार्मिक नगरी अजमेर की सरजमीं पर अपने कदम रखेंगे, और यहाँ से उनका यह ऐतिहासिक दौरा आज का जो अजमेर का है वो शुरू होगा, जो धार्मिक दौरा है वो शुरू होगा, जिसमें वो जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करेंगे और महान
बंद कर दो कौशल, अब बंद कर दो। तहजीब कायम रखते हुए इसके पश्चिम पे जलते हुए इसके संस्करण को अपने जीवन में अपनाते हुए इस देश की सदर के सदर के रूप में इस देश की सदर आप सदर के आप देश की सदारत करें एक खंड भारत की कामना करते हैं। टोपी पहन के दोस्तों, अरे ये कहाँ से आ गए यार प्यारों के सामने यार। सर एक बार इधर, सर एक बार इधर, ये तमाम सर एक बार आगे की साइड आ जाइए, सर सर एक बार आगे। सर आगे बिल्कुल वो सामने से हटा दिया था ना। हाँ ये भी सही था। अरे सामने से हटाओ यार, सर थोड़ा आगे आ जाइए, सर थोड़ा ऐसा आगे, सर नोटेंगे बाद में आप आस्था शरीफ में हाजिर हुए, वहाँ पे मखमली चादर चढ़ाई और फूल पेश किए, आपने दुआ मांगी हिंदुस्तान में अमन शांति भाईचारे की। हम सब ने खुदाम हजरात ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, सब मेंबर्स ने, सब खादिम हजरात ने उनके साथ मिलकर दुआ की मुल्क में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे। और आपने हमने जो हमारी अंजुमन सैयद यादगार की तरफ से सवादनामा पेश किया गया उसमें उनको पढ़ के सुना, वो भी उनको पेश किया गया, तबरुक पेश किया गया, ये सब खुदाम हजरात रहमत रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ जो भी वीआईपी आता है कुछ ना कुछ खास लिख के जाता है, क्या उनकी तरफ से क्या इंद्राज करते हैं? नहीं, इस बार जो है मुझे लगता है कि उन्होंने कोई इस तरह की जल्दबाजी भी थी और कुछ पब्लिक भी कुछ ज़्यादा थी, तो उन्होंने से तबरुक लिया और दस्तारबंदी कराई और मेरी नमाज की बारगाह में उन्होंने अपने फैमिली के साथ में अकेले फ़ोटो खींचा। कुछ खास मन्नत लेकर आए ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अकीदत से आए थे, वो बहुत ही श्रद्धा से आए थे और काफ़ी दुआएं करके गए। उनकी फैमिली साथ में थी, मेरी नहीं मालूम उनके साथ में, उनकी वाइफ तो थी, उनके साथ में और भी थी, और उन्होंने भी बड़ी अकीदत से, बड़ी श्रद्धा से मेरी बात में हाजिर थी और मुल्क में अमन चैन भाईचारे की सबको मिलजुल के। फैमिली में जो है दो लेडीज थी, उनकी वाइफ थी और दूसरी मेरी नहीं मालूम थी, बाकी उनके साथ और भी मेम्बर्स थे जिन्होंने सब गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर थी। यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा इंतजाम किए और खासकर मीडिया का जो कवरेज है बहुत अच्छा रहा।
विकास फोटो भी ले लेना है कितने पे 51 देखिए अजमेर शरीफ दरगाह सुरक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य आज भी सही दरगाह परिसर को हाँ वो तो आएंगे क्या होगा।